हेलो फ्रेंड्स, हमारा टारगेट अब की बार उत्पाद सिपाही पार। आपकी तैयारी आपकी नज़र में, टॉप 50 प्रश्न लेकर मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें और आप अपनी तैयारी खुद से जांचें। तो ये दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्वर्णरेखा परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है? दोस्तों आप लोग आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताते चलिएगा। तो इसका आंसर होगा 3 राज्य, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड पंचायत राज अधिनियम लागू किया गया? दोस्तों कब लागू किया गया? तो इसका आंसर होगा 2001 में। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड पार्टी की स्थापना किसने किया था? दोस्तों इसका आंसर होगा जयपाल सिंह मुंडा। 1950 में किया था दोस्तों, झारखंड पार्टी की स्थापना जयपाल सिंह मुंडा ने 1950 में किया था। क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा में झारखंड के कितने सीटों का प्रावधान है? दोस्तों लोकसभा में झारखंड में कितने सीटों का प्रावधान है? इसका आंसर होगा 14 सीट। लोकसभा में 14 सीट, झारखंड के 14 सीट लोकसभा में प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी है? दोस्तों आपको आंसर पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताते चलिएगा। इसका आंसर होगा सावित्री पुर्ति। क्वेश्चन नंबर 6, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? दोस्तों 6 वर्ष से जितने भी कम बच्चे हैं उनके लिए फ्री का शिक्षा और जरूरी शिक्षा का जो प्रावधान किया गया है वो कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 45 में। क्वेश्चन नंबर 7, डब्लिन यूनिवर्सिटी मिशन की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर होगा हजारीबाग में। हजारीबाग में डब्लिन यूनिवर्सिटी मिशन की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ किया गया था? दोस्तों विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ पूछा जा रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 2017 में धनबाद में। दोस्तों कब तो 2017 में, कहाँ पे तो धनबाद में। क्वेश्चन नंबर 9, राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय झारखंड के कौन से जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा रांची। दोस्तों रांची में ही राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय झारखंड स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, मेथन डैम झारखंड के कौन सा जिला तथा नदी पर स्थित है? दोस्तों यहाँ पे मेथन डैम बता रहा, पूछ रहा है कि कौन सा जिला, जिला भी पूछ रहा है और नदी भी पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा धनबाद। जिला की बात करें धनबाद और नदी बराकर नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, हुंडरू जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है जिसको हम लोग वाटरफॉल भी कहते हैं? तो दोस्तों हुंडरू जलप्रपात, इसका आंसर होगा स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, बेतला नेशनल पार्क झारखंड के कौन से जिले पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा पलामू जिले पर। बेतला नेशनल पार्क झारखंड के पलामू जिले पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है? दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है झारखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है तो वो होगा दोस्तों पारसनाथ पहाड़ी। ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई दोस्तों 1365 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 14, डिमना झील राज्य के किस जिले में स्थित है? दोस्तों इसका आंसर होगा पूर्वी सिंहभूम में। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला पर डिमना झील स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड की सबसे बड़ी तथा सबसे लंबी नदी है? दोस्तों यहाँ पे बड़ी भी पूछा जा रहा है और लंबी भी पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा दामोदर नदी। दोस्तों दामोदर नदी झारखंड की सबसे बड़ी तथा सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 16, महाभारत में झारखंड राज्य को किस नाम से जाना गया है? दोस्तों इसका आंसर होगा पशु भूमि। दोस्तों पशु भूमि के नाम से महाभारत में झारखंड राज्य को जाना गया है। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड राज्य की सीमा रेखा भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है? दोस्तों यहाँ पे झारखंड राज्य की जो सीमाएं है वो भारत के और कितने राज्यों को टच करती है, स्पर्श करती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 5 स्टेट को, 5 राज्यों को स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड राज्य का सर्वप्रथम जनजातीय विद्रोह था? दोस्तों झारखंड राज्य में बहुत सारे विद्रोह हुआ था लेकिन सर्वप्रथम पहला जनजातीय विद्रोह था वो था, इसका आंसर होगा पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह झारखंड राज्य का सर्वप्रथम जनजातीय विद्रोह था। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड में कुल कितनी प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 32। झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, संथाली जनजाति में कितने प्रकार के गोत्र पाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर होगा 12।
संथाली जनजाति में 12 प्रकार के गोत्र पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, उराव जनजाति लोग कौन सा भाषा का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कुड़ुक। दोस्तों कुड़ुक भाषा का प्रयोग उराव जनजाति के लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मुंडा जनजाति के लोग कौन सा भाषा का प्रयोग करते हैं? दोस्तों यहाँ पे मुंडा जनजाति के लोग पूछा जा रहा है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा मुंडारी। दोस्तों मुंडा जनजाति के लोग मुंडारी भाषा का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, खरवार जनजाति के मुख्य देवता है? दोस्तों आंसर पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जो आपको बोले हैं आपको करते चलिएगा, ठीक है? तो इसका आंसर होगा सिंहबोगा। दोस्तों खरवार जनजाति के जो मुख्य देवता है वो है सिंहबोगा। क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? दोस्तों झारखंड विधानसभा के फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर विशेश्वर खान। क्वेश्चन नंबर 25, वर्तमान में झारखंड की कुल जिलों की संख्या है? दोस्तों अभी जो वर्तमान प्रेजेंट में झारखंड में कुल कितने जिले हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 24 जिला। क्वेश्चन नंबर 26, झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प है, राजकीय फूल? दोस्तों ये इसका आंसर आप लोग को पता ही होगा, इसका आंसर होगा पलाश। दोस्तों पलाश झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प है। क्वेश्चन नंबर 27, झारखंड राज्य की उपराजधानी है? दोस्तों आप लोगों को झारखंड की राजधानी तो पता ही होगा, यहाँ पे उपराजधानी कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा दुमका। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एवं विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा रांची झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 29, महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था? दोस्तों कब लिया था? तो इसका आंसर होगा 2014 में। क्वेश्चन नंबर 30, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बोकारो जिला पे मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31, डाक मनी ऑर्डर द्वारा लगान की चुक्ति का प्रावधान किस धारा में है? दोस्तों इसका आंसर होगा धारा 45-45। दोस्तों धारा 45 में ही डाक मनी ऑर्डर द्वारा लगान की चुक्ति का जो भी प्रावधान दिया गया इसी में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 32, संथाल प्रगना में भू धारण अधिनियम 1949 की धारा 17 का संबंध है किससे है? तो इसका आंसर होगा निजी जोतों के वृक्षों पर रेत के अधिकार से। क्वेश्चन नंबर 33, रघुनाथ महतो जी ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा चुआर विद्रोह का नेतृत्व रघुनाथ महतो जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 34, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा दिया था? दोस्तों इसका आंसर होगा रघुनाथ महतो ने ही दोस्तों अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 35, जंगल काटो अभियान प्रारंभ किया गया था? दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को पता ही होगा, इसका आंसर होगा 1978 में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, पलामू प्रमंडल के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, पलामू प्रमंडल जो है उसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? तो दोस्तों इसके अंदर 3 जिले आते हैं, गढ़वा पलामू और लातेहार। क्वेश्चन नंबर 37, कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय है? दोस्तों इसका आंसर होगा चाईबासा। दोस्तों कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय है चाईबासा। क्वेश्चन नंबर 38, झारखंड में अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और अगला एग्जाम में भी आने का बहुत चांस बनता है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा 3 बार, झारखंड में अभी तक टोटल 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 39, झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 2.4%। दोस्तों झारखंड राज्य का जितना भी क्षेत्रफल है वो भारत के टोटल क्षेत्रफल का 2.4% है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी है? दोस्तों इसका आंसर होगा सावित्री पुर्ति प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 41, विवेकानंद की सबसे ऊंची मूर्ति झारखंड में कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों इसका आंसर होगा
बड़ा तालाब रांची में। दोस्तों बड़ा तालाब रांची में ही विवेकानंद की सबसे ऊंची मूर्ति झारखंड में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 42, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका आंसर होगा बोकारो। बोकारो में ही दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43, जुबली पार्क झारखंड के किस शहर में स्थित है? दोस्तों बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। जुबली पार्क का आप लोग नाम सुना ही होगा, तो दोस्तों ये इसका आंसर होगा जमशेदपुर। जमशेदपुर में ही जुबली पार्क स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44, राजमहल पर मराठों का आधिपत्य कब स्थापित हुआ था? दोस्तों यह हिस्टोरी से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा 1742 में। 1742 में राजमहल पर मराठों का आधिपत्य स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45, झारखंड के कौन से ऐसे ज़िले हैं जिसका सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? दोस्तों झारखंड की वो कौन से ज़िले हैं जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए सारा सीट रिजर्वेशन किया गया है? तो वो है दोस्तों, इसका आंसर होगा गुमला और लोहरदगा। क्वेश्चन नंबर 46, झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे? दोस्तों झारखंड के वर्तमान नहीं, प्रथम पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा प्रभात कुमार। प्रभात कुमार झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे। क्वेश्चन नंबर 47, हजारीबाग के राजा हेमंत सिंह द्वारा बादाम में किले का निर्माण कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1642 में। क्वेश्चन नंबर 48, मराठा भास्कर राम पंडित का छत्तीसगढ़ होकर झारखंड में प्रवेश और बंगाल पर हमला किया गया था, कब किया गया था दोस्तों? तो इसका आंसर होगा 1742 ईस्वी में मराठा भास्कर राम पंडित का छत्तीसगढ़ होकर झारखंड में प्रवेश और बंगाल पर हमला किया था। क्वेश्चन नंबर 49, गांधी जी का रांची आगमन कब हुआ था? दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो इसका आंसर होगा 1917 में। गांधी जी का रांची फर्स्ट टाइम आए थे 1917 में। क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन का रांची आगमन कब हुआ था? दोस्तों इसका आंसर होगा 1928 में साइमन कमीशन रांची आए थे। वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, अपना ही चैनल है। थैंक्स।